हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम लाए हैं चार्ट ऑफ द वीक, ऐसे दो शेयर जो आने वाले वीक में अच्छा खासा रिटर्न देंगे। लिख लो मेरे से, ये दो शेयर में आपको रिटर्न कितने मिलते हैं वो हम वीकेंड पे बताएंगे, या अगर शेयर भागता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हो, सर ये आपका चार्ट ऑफ द वीक था, आपने रिकमेंड किया है। ये नॉर्मली ये दो शेयर्स में मेरे मेंबर्स के अलग ग्रुप है, मैं उसमें मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ, पर ये अपने ये YouTube चैनल पे लाया है। तो वीडियो एंड तक बने रहिए, और चार्ट ऑफ द वीक मैंने किस हिसाब से निकाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला हमारा चार्ट ऑफ द वीक है ये शेयर जो अभी मिल रहा है 995 रुपीज में। ये शेयर पहले ट्रेड कर रहा था 4400 रुपए के आसपास, जो स्प्लिट होने के बाद अभी 995 में आ चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में इसका स्प्लिट हुआ और शेयर का नाम है वैभव ग्लोबल। देखो, इसका अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा ये एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो लेवल है, इसके लिए जो ये हर्डल था, लिस्टिंग कहाँ हुई थी, ये शेयर की लिस्टिंग हुई थी 856 पे लिस्ट हुआ था ये। अभी जब फ्राइडे के दिन इसकी प्राइस कम हुई तो यहाँ पे लिस्ट हुआ था, और इसने डिसाइसिवली ये लेवल क्रॉस करके भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके यहाँ पे क्लोज दिया है। तो वैभव ग्लोबल के लिए मेरा वीक, ये वीक के लिए टारगेट होगा 1100 से लेके 1150 के बीच, 1100 से लेके 1150 के बीच। मतलब आपको यहाँ से भी 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे इतना तो मुझे पता है। वैभव ग्लोबल का अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी खासी स्ट्रांग है, 16,237 करोड़ की मार्केट कैप है। और ये कंपनी का मेन काम क्या है, ग्लोबल रिटेल स्पेस स्पेशली इन द ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। और इनका मेन ऑपरेशन कहाँ पे, यूएस एंड यूके में ऑपरेशन है कंपनी का। कंपनी पे कर्जा कोई नहीं है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मुझे कंपनी पसंद आ रही है। टाइटन के बाद मार्केट कैप इसका ही आता है, टाइटन का पी भी बढ़ चुका है और मार्केट कैप भी अच्छा खासा बढ़ा है, पर टाइटन को आराम से क्रॉस कर देगी आने वाले कुछ सालों में वैभव ग्लोबल, वो ये एक शेयर है। अगर सेल्स देखें, देखो सेल्स कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीजिंग में है, हमें क्या चाहिए, सेल्स इंक्रीज चाहिए जो 498 से 550, 599, 725, तो सेल इंक्रीजिंग में है, ये एक पॉजिटिव बात है शेयर के लिए। और अगर हम रिजर्व्स देखते तो कंपनी रिजर्व्स भी इंक्रीज कर रही, रिजर्व्स देखो 201, 296, 335, 402, 518, 664, 719, 811 करोड़, और कर्जा कितना इनके ऊपर, सिर्फ 114 करोड़ का। तो रिजर्व्स के सामने कर्जा कुछ भी नहीं है कंपनी पे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट यूज करते वर्ड इसमें हमेशा याद रखना। ऑलमोस्ट का मतलब है कि उनके पास पैसा भी है और डेट भी कम है। प्रमोटर के पास 58.35% शेयर्स है, FII जिसने हिस्सा बढ़ा 11.64 किया है, घरेलू इन्वेस्टर 19% होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास 10.89% है। ओवरऑल फंडामेंटली ये शेयर काफ़ी स्ट्रांग है वैभव ग्लोबल। अभी ये तो अगर हो गया महंगा शेयर समझ लो, मैं हमेशा दो कैटेगरी में चलता हूँ, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है उनके लिए एक शेयर, और जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल है उनके लिए एक शेयर रहता है। तो उसमें से हमारा दूसरा शेयर है वही मेटल से रिलेटेड जो थीम चल रही है फिलहाल, मेटल थीम, उस पर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। तो उसमें से एक शेयर है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक को हमने चार्ट ऑफ द वीक क्यों लिया, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक चार्ट ऑफ द वीक नहीं हो सकता है, पर मुझे ये जो बॉक्स दिख रहा है डारवास बॉक्स के अंदर ही शेयर ट्रेड करे जा रहा है, कब से, 2016 के मिड से लेके अभी तक यही बॉक्स के अंदर है। तो मेरे हिसाब से अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा शेयर 350 के ऊपर, 380 से 400 के आसपास चला जाएगा। एक्चुअली 400 के आसपास चले जाने को इसको दो वीक लग सकते हैं, पर ये वीक में अगर ब्रेकआउट आता है तो अगले वीक में भी हमारा चार्ट ऑफ द वीक यही रहेगा, क्योंकि ये शेयर ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका होगा, तब तक हमारे टारगेट पे ये खड़ा होगा। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, जैसे ही शेयर अभी ये लेवल का, अगर मैं पर्टिकुलरली आपको ये लेवल बता दूँ
तो जैसे ही 338 के ऊपर हिंदुस्तान जिंक निकलेगा, 338 के ऊपर निकलेगा तो इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है। ये बात मेरी लिख के लो कही, इसमें ब्रेकआउट होने वाला है। फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, कुछ बुरी नहीं। 1,30,922 करोड़ की मार्केट कैप है, सिर्फ 16 KPE पे मिल रही, ये एक अच्छी बात है। इसका काम एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स, तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड हुआ ये कंपनी। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ऊपर है, पीर कंपैरिजन में देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर के भी ऊपर ही आता है। और इनका अगर सेल्स देखे तो सेल्स में फिर से वही सेल्स इंक्रीजिंग चाहिए, उसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग में है। ये हमारी मेन, जो मेन बात रहती है, सेल्स इंक्रीजिंग चाहिए, सेल्स इंक्रीज में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, 12,000 करोड़ से 10,000 करोड़, फिर 8,000, 11,600 करोड़। पर प्रॉफिट में तो कंपनी है, ऐसा नहीं कि कंपनी डूब रही है या प्रमोटर बेच के निकल रहे, ऐसा नहीं। और सबसे मेन बात, कंपनी कैसे स्ट्रांग बनती है, देखा जाता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, उनकी शेयर कैपिटल कितनी है। तो 845 उन्होंने मेंटेन करके रखी है, 845 करोड़, ये सब फिगर करोड्स में है। और रिजर्व्स देखो, 31,468 करोड़ के रिजर्व्स है, और उसके सामने बोरोइंग कितनी है, 6,470 करोड़ की। तो कर्जा भी कुछ इतना का कुछ खास नहीं है, कंपनी पे कर्जा नहीं है। अगर आपके पास 31,500 करोड़ रुपए है और आपके पास कर्जा है 6,400 का, तो कंपनी डेट फ्री ही कहलाएगी, क्योंकि उतना आपके पास रिजर्व्स मेंटेन है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे जाए, देखो कैश फ्रॉम एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, 10,500 हो गई, 6,600 से 10,500 होना बहुत बड़ी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 65% पकड़ लो, 64.92, मतलब प्रमोटर अच्छा खासा इसमें एक तगड़ा स्टेक होल्ड करते। FIs इसमें 1.10% होल्ड करते, DIs 2.55% होल्ड करते, और गवर्नमेंट के पास देखो, गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 30% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्ड करती है, और पब्लिक के पास 1.83% पब्लिक के पास है। तो ये सब चीज़ें मुझे, ये शेयर एक्चुअली मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाने वाला था, पर एक्चुअली हमने आज के दिन में JSW स्टील, हिंदुस्तान कॉपर पे वीडियो अपलोड कर चुका था मैं, इसलिए इसको मैंने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया है आज के दिन में। तो ये शेयर आपको ज़रूर अच्छा खासा रिटर्न देगा, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये लेवल टूटने का। ये लेवल है 338.44, 338 के ऊपर जैसे निकलता है शेयर, ये रॉकेट की तरह भागेगा, और 350 पहला टारगेट रहेगा, और यहाँ से 380 दूसरा, 400 तीसरा, ये टारगेट आने ही चाहिए शेयर में। जिस हिसाब से रैली चल रही है मेटल सेक्टर में, तो ये टारगेट अपने आने चाहिए। मैं कहता हूँ जो लो कैपिटल वाले हैं वो इस पे नज़र रखें, और जो हाई कैपिटल वाले हैं वो वैभव ग्लोबल को भूलना नहीं है। वैभव ग्लोबल बहुत बढ़िया चार्ट है इसका, और इसे निगलेक्ट नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने इस पे ट्रेड किया था, और मुझे 1,700 रुपये का इंट्राडे प्रॉफिट मिला था, पर इसमें मैं भी पोजीशन बनाने वाला हूँ, तो इस पे आपको नज़र रखनी है। तो ये रहे अपने चार्ट ऑफ द वीक के दो स्टॉक, जो आने वाले वीक में मचा देंगे पूरे मार्केट में। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।